जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आपके अपने चैनल समाधान स्टडी में। प्यारे साथियों, जैसा कि आपको मालूम है, हम पल पल की अपडेट आपके सामने लाते रहते हैं और किसी भी प्रकार की जॉब संबंधित नोटिफिकेशन हो, सभी अपडेट आपके सामने तुरंत लाते हैं। तो प्यारे साथियों, जितने भी नए साथी हैं हमारे साथ जुड़ते हैं, वह चैनल को लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को दबा दे, ताकि समय समय पे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और अपडेट्स मिलती रहे। आज हम आपके लिए एक शानदार अपडेट लेकर हाजिर है। जैसा कि आपको मालूम है कि सभी साथी जो कि डिप्लोमा एनिमल हस्बेंड्री टेस्ट वाले थे, उनके कमेंट्स आ रहे थे कि सर एग्ज़ाम कब होगी। तो प्यारे साथी, वो खुशखबरी है आपके लिए, आपकी एग्ज़ाम डेट क्लियर कर दी गई है, एग्ज़ाम कब होने वाली है। और प्यारे साथियों, एडमिट कार्ड भी डाउनलोड कब से होंगे यह भी आपको बताया जाएगा। तो वीडियो में अंतिम तक बने रहिए, एक एक जानकारी आपको क्लियर करवाई जाएगी। एग्ज़ाम में आपको क्या क्या सावधानी बरतनी है और अब तैयारी कैसे करना है, यह सब जानकारी आपको दिया जाएगा। तो आपके सामने प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड ने अभी आपके लिए एक जानकारी अपडेट की है, जिसकी जानकारी आपको बता दूं कि प्रवेश पत्र पशुपालन डिप्लोमा प्रवेश परीक्षा आपका डाउनलोड हो रहा है। जैसा कि आपको बता दूं, आपकी एग्ज़ाम होने वाली है 5 से 6 नवंबर को। ऑनलाइन एग्ज़ाम होगी, 4 एग्ज़ाम सेंटर है, इंदौर, ग्वालियर, भोपाल और जबलपुर। तो प्यारे साथियों, बता दूं आपको, अब एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करना है यह भी आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आप पीईबी की वेबसाइट खोल लें, जैसा कि मैंने आपके सामने अभी खोल के रखा है डैशबोर्ड में। चलिए, अब यहाँ पे आपके सामने नवीन सूचनाओं में लिखा है कि प्रवेश पत्र पशुपालन डिप्लोमा प्रवेश परीक्षा 2020। तो चलिए इसको क्लिक कर देते हैं हम लोग। चलिए, ये आपके सामने ओपन हो रहा है, आपके सामने इस प्रकार का पेज ओपन हो चुका है। अब यहाँ पे कुछ इस प्रकार से एडवाइजरी ओपन होगी, जो कि कोविड-19 की एडवाइजरी दिया गया है, कुछ इंस्ट्रक्शन की क्या क्या सावधानी बरतना है। चलिए इसको छोड़ते हैं, हम आपके एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड होगा उसके लिए आगे बढ़ेंगे। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ये पेज ओपन हो चुका है एडमिट कार्ड का। तो यहाँ पे डिप्लोमा इन एनिमल हस्बेंड्री इंट्रेंस टेस्ट 2020 DAHET सर्च टेस्ट एडमिट कार्ड, यहाँ पे आपको डालना है एप्लीकेशन नंबर। मैक्सिमम 13 नंबर का आपका एप्लीकेशन नंबर रहेगा, उसे आप डालिएगा। और आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है उसे आपको डालना है, उसके बाद आपको कैप्चा फिल करना है इस प्रकार और सर्च कर लेना है। कुछ महत्वपूर्ण निर्देश भी दिया गया है एग्ज़ाम के बारे में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे महत्वपूर्ण निर्देश आपको रीड करके बता देता हूँ। डाउनलोड व मुद्रित किए गए प्रवेश पत्र के आधार पर अभ्यर्थी परीक्षा केंद्र में प्रवेश कर सकता है। निर्धारित रिपोर्टिंग समय पश्चात उपस्थित होने वाले अभ्यर्थी को परीक्षा केंद्र में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। यानी आपको रिपोर्टिंग के समय का जो निश्चित किया गया है, रिपोर्टिंग समय, उसके पहले ही आपको इंटर कर लेना है एग्ज़ाम में। और यहाँ पे तीसरा इंस्ट्रक्शन है कि मूल फोटो युक्त पहचान पत्र लाने पर ही परीक्षा केंद्र में प्रवेश पात्रता दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स, आपको आपने जो वेरिफिकेशन में जो यूज़ किया है मूल प्रमाण पत्र, वोटर आईडी, पैन कार्ड, आधार कार्ड, वो आप ले जाओगे जब ही आपको एग्ज़ाम सेंटर में इंटर करने दिया जाएगा। और यहाँ पे कुछ, चलिए ये देखिए, चौथा इंस्ट्रक्शन वेरी IMP है। TAC के द्वितीय भाग में स्वहस्ताक्षरित फोटो लगाना अनिवार्य है। यानी TAC की जो द्वितीय भाग में है, स्वहस्ताक्षरित फोटो लगाना होगा आपको। फ्रेंड्स, अब यहाँ पे सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है वो बता दूँ, परीक्षा हाल में प्रवेश बायोमेट्रिक पद्धति से होगी। ये भी आपको मालूम है, एग्ज़ाम आजकल जो हो रहा है, परीक्षा समाप्ति के पश्चात अभ्यर्थी द्वारा अर्जित किया गया स्कोर कंप्यूटर स्क्रीन पर प्रदर्शित कर दिया जाएगा। आप जितने नंबर यानी सही करोगे क्वेश्चन, उसके नंबर तुरंत आपके सामने, यानी जैसी परीक्षा आपकी ख़त्म होती है, कंप्यूटर स्क्रीन पर आपके नंबर दिखा दिए जाएंगे, कितने नंबर आपके आए। तो फ्रेंड्स, जिन जिन साथियों की जितने नंबर आएंगे वह वीडियो में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, ताकि आपके लिए कट ऑफ का वीडियो हम निकाल सके और हमको कट ऑफ निकालने में आसानी चाहिए। अब नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन आपके सामने, किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट है ना, मशीन आपके पास डिवाइस नहीं होना चाहिए, मोबाइल फ़ोन इत्यादि डिजिटल सामान आपके पास नहीं होना चाहिए।
बता दो फ्रेंड्स, यहाँ पे एक और इंस्ट्रक्शन आपको बताया ही गया जो कि बहुत ज़रूरी है, आपके पास आपका रोज़गार पंजीयन होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, यह थे महत्वपूर्ण इंस्ट्रक्शन और एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड होगा यह हमने आपको बता दिया है। तो फ्रेंड्स, 5 से 6 नवंबर को आपकी एग्ज़ाम है और आपके पास ज़्यादा वक्त नहीं है, तो आप इन दिनों में जितना हो सके शानदार तरीके से तैयारी कीजिए और हमने जो वीडियो बनाए हैं केमिस्ट्री फिजिक्स के उनको बार बार आप देखिए, सारे क्वेश्चन आपको करवा दिया गया है। बता दूँ, एग्ज़ाम सेंटर एग्ज़ाम देने के लिए आप जैसे एग्ज़ाम सेंटर में एंटर करते हो तो सबसे पहले चले जाइए ताकि आपको किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, आपको सेंटर ढूंढने में दिक्कत ना हो। और एग्ज़ाम देते समय बिल्कुल भी आप घबराए ना, निश्चित होके बैठिए और बिल्कुल शांत तरीके से आप पेपर को सॉल्व कीजिए। तो फ्रेंड्स, इसी प्रकार की अपडेट आपके लिए हम लाते रहेंगे। पुनः आपका स्वागत है आपके अपने चैनल समाधान स्टडी में। फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और नए साथी बेल आइकन को दबा दें ताकि समय समय पे आपको इसी प्रकार की अपडेट्स मिलती रहे। थैंक यू।